नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। शराब की दुकानों पर चला प्रशासनिक अधिकारियों का डंडा। नकली शराब से हो रही घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने एक जीओ के तहत सभी सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ व थाना प्रभारियों को आदेश दिया है कि उनके क्षेत्र में चल रही अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण करके अनियमितताओं को देखते हुए उन पर कठोर कार्रवाई करें और अप्रिय घटनाओं को रोकें। सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने बताया, कुछ शहरों में शराब से दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुकानों में पानी और खाने पीने का सामान भी बिकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने इधर भी गौर किया होगा, कुछ जनपदों में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं जहाँ पे कुछ संदिग्ध मदिरा पान करके लोग मृतक हुए हैं और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसी क्रम में शासन द्वारा एक शासनादेश हुआ है कि मतलब हर जगह पे रैंडम रूप से जांच किया जाए, कहीं किसी प्रकार का इलिसिट लिक्वर या कोई ऐसा संदिग्ध मदिरा ना हो जिससे किसी की जनहानि हो सके, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं, और चूंकि ये शहरी एरिया है तो यहाँ पे इस तरह की संभावनाएँ कम होती हैं। फिलहाल इस दुकान पर हमने जाँच किया है और जो भी इनका स्टॉक है उस स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से ठीक है। कुछ जो अनियमितताएँ हैं वो जो है सरसरी तौर पे जैसे पानी रखा है या कुछ खाने का आइटम भी रखा है, इसके लिए इनको चेतावनी जारी करी जा रही है। क्या ऐसे घटना पुनरावृत्ति ना हो जो अन्य जनपदों में होती है, उसके लिए क्या शासन कितना सतर्क है? शासन जो है देखिए, हर 15-20 दिन में 25 दिन में एक बार हम लोग रैंडम रूप से अभियान चलाकर सीओ और मजिस्ट्रेट के स्तर पर जाँच हो रही है, जिससे कि मतलब हर जगह पर ये इसको अधिक से अधिक कंट्रोल रखा जा सके। थैंक यू। इसके अलावा जो एक्साइज ऑफिसर्स हैं वो सब अपना टाइम टू टाइम करते रहते हैं जांच। महेंद्र मिश्रा के साथ आसिफ अली खान की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।